सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, आज का ब्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं जाऊंगा पॉलिटेक्निक एग्जाम देने अलाहाबाद, और अलाहाबाद में भारद्वाज पार्क है तो मैंने वहां पर भी घुमा। तो गाइज, चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, ब्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइज, अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं और यहाँ पर देखिए, अभी कुछ देर के लिए बस रुकी और ये लोग सामान अपना बेचने आ गए हैं। और ये देखिए बगल की दुकान है जहाँ पर समोसा वगैरह बेचता है। दोस्तों, अभी बस रुके थे, अब चल दी है और हम सफर की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अभी हम इलाहाबाद आ चुके हैं और तो यहाँ पर देखिए कैसा डिजाइनिंग सुंदर घोड़ा है। दोस्तों, अभी एग्जाम 2 घंटे बाद होगा तो हम लोगों ने सोचा कि पास में है भारद्वाज पार्क, घूम लेते हैं और इसलिए चले आए घूमने। ये देखिए पार्क के अंदर का सीन, यहाँ पर किस तरह से पानी वाटरफॉल की तरह गिर रहे हैं। ये चारों तरफ का व्यूज आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। ये पार्क का अंदर का सीन आप लोग देख सकते हैं, चारों तरफ वृक्ष लगे हैं और यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज करने के लिए बनाए गए हैं इक्विपमेंट जिसे कोई भी यूज कर सकता है। ये देखिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। और यहाँ पर हम पानी पी रहे हैं। ये है भारद्वाज मुनि जो कि बैठे हुए हैं, एक बड़ा सा मूर्ति वहाँ पर लगाया गया है पार्क में, उन्हीं के नाम से इस पार्क का नाम रखा गया है भारद्वाज पार्क। दोस्तों, ये जो पानी के चारों तरफ घेरा किया गया, यहाँ पर लाइट जलता है उसके बाद चारों तरफ से पानी निकलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर देख सकते हैं भगवान शिव का मूर्ति बना हुआ है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लगता है। और चारों तरफ का व्यूज देख सकते हैं, यहाँ पर ये मोनू फोटो खिंचवा रहे हैं। और ये देखिए कुछ बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं और मोनू भी एक्सरसाइज करने लगे हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं झूले से मस्ती करते हुए। अब हम लोग जा रहे हैं वापस क्योंकि हम लोगों का एग्ज़ाम का टाइम भी हो रहा है। दोस्तों, एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग आ चुके हैं बस, यहाँ पर 0 रोड से बस हम लोग पकड़ेंगे, उसके बाद आ जाएंगे अपने घर मिर्ज़ापुर।